What is up? So welcome back to my channel. So guys, today is the next day और आज शिल्पा और मैं जा रही हूँ बीच पे. वैसे जाना था डे में, शाम हो गई है बहुत ज़्यादा शिल्पा की वजह से, क्योंकि शिल्पा का मन नहीं था. और मैंने काफ़ी अच्छी बीच ड्रेस भी पहनी है आज, तो मैं तुम्हें बीच पे जाके दिखाऊंगी. अच्छा सा फोटो शूट करने जाना है. बाल नहीं अच्छे हो पाए बस, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं तैयार होने के लिए और मैंने पूरा दिन बर्बाद किया है. मैं धूप ढूंढते अब शिल्पा मुझसे पिटेगी. शिल्पा जी भागो मत. मैंने उसको कहा था मुझे धूप चाहिए हर हालत में बीच में. धूप तो चली गई है अब, ये इसका मिट्टी में मुंह ना दिया ना मैंने. मेरा नाम काजल नहीं आज. चल तू बताओ था. तू बोल, तू बोलेगी मेरे साथ. तू आई हो मैं गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ पता नहीं, ऐसा लग रहा है कहीं कर्नाटका में आ गए. दुनिया भर की हम सबसे वेट ना क्यों बोला, क्योंकि ज़्यादा साउथ इंडियंस हैं, तो सही में ऐसा ही लग रहा है कर्नाटका आए हुए. दुबई तो कहीं से नहीं लग रहा. और फोटो खिंचवाने के लिए सब आते हैं. और इतनी बदतमीज लड़के जो इंडिया के ही हैं, सच बता रही हूँ मैं, फोटो नहीं खिंचवाने दे रहे. साइड में आके खड़े हो रहे हैं, आगे से जा रहे हैं. बै जो जो सोच रहे थे, कुछ फन नहीं हो पाया. मैं सोचा बीच पे मस्त फन करेंगे, खेलेंगे, वाटर राइड करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हो पाया. इतनी भीड़ में ऐसा मन कर रहा है इनके मुंह दे दे मारू रे तुम्हें सबके. झूले पे लेके जाते हैं तुझे, तेरी फोटो वहाँ क्लिक कराते हैं झूले पे. अब अंधेरे में अब तेरे लिए क्या करें. और इससे ज़्यादा मैं धूप में आ भी नहीं सकती हूँ. आप लोगों को पता ही है मेरे पिगमेंटेशन धूप का है मैम, हमें नहीं दिख रही. आई तो धूप पे ही थी ना, 1% की तेरे मुँह धूप पड़ रही हो, सच बताइयो. हाँ 4% पड़ी है. ये देख लो जहाँ तक नज़र पड़े, ये लुंगी बांध रहा है कोई, टाल चेंज कर रहा है, कच्चियाँ बदल रहा है, पूरा व्यू यही है बीच का. गाइस काजल ना बैग भूल गई है, पता नहीं कहाँ पे हम बैठे हुए थे और वो भाग कर गई है अभी. और सच बताऊँ तो उसमें मेट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है मेरा. लेट्स सी कि वहीं मिलेगा उसे या नहीं. किधर था, मिल गया ना. आज तो चला गया था बैग, उसमें थे हमारे कार्ड्स और चश्मा. पर मैंने रील देखी थी दुबई में कि तुम लोग अपना बैग छोड़ के कहीं भी जा सकते हो, वो वहीं पड़ा रहता है. और वो सच हो गया शिल्पा, मैं तो डर गई थी. पता नहीं क्या बददिमाग के साथ जा रही हूँ बैग छोड़ के. चुप रहे शिल्पा. गाइस आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे झूले पे लास्ट टाइम नहीं बैठने दिया था, बट इस बार मैं बैठूंगी एक ना एक दिन. तो आज तो मन नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम. और ये सारे टॉयज भी जीत के ले जाऊंगी यहाँ से, कोई एक आधा गेम तो अच्छे से खेलूंगी पक्का. ये सब टॉयज मिलते हैं इसमें, लाल मिर्च, हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च रंग बिरंगी. गाइस मैं बीच से आ गई थी, मेरे बाल बड़े बेकार हो रहे हैं आज वॉश करने. और मैंने अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, 1 घंटे से मैं ऊपर बैठी थी पूल साइड पे, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो मैं ऊपर जाके बैठ गई थी. अब मैं वापस जा रही हूँ नीचे और देखती हूँ शिल्पा क्या बना रही है क्या नहीं, और नहा भी लेती हूँ और बाल भी वॉश कर लेती हूँ. और आज जो हमारा बैग गुमा था उसकी स्टोरी मैं पूरी तुम्हें अच्छे से बताऊँगी. शिल्पा ने अच्छे से ब्लॉग नहीं किया क्योंकि हम बहुत डर गए थे कि बैग तो आज चोरी हो जाएगा, बट मिल गया था गाइस होपफुली. और बता ही देती हूँ, वैसे अभी 46 पे जाने में काफ़ी टाइम है, तो अब तो आ गए गाइस 36 पे. तो मैं ही बता दूंगी इससे अच्छा, नो प्रॉब्लम. अभी नीचे जाती हूँ और अपने हुलिया ठीक करती हूँ कि आप कबार बन के घूम रही हो. सो गाइस हुआ ये था कि जब शिल्पा और मैं वहाँ पे बैठे थे ना थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो जो बेंच थी शिल्पा अपना हैंडबैग वहीं पे रख के भूल आई और हम लोग काफ़ी आगे आ गए. तो आगे आगे उसको याद आया कि वो मेरा हैंडबैग कहाँ गया ये वो. फिर मैं भागते हुए गई, मैंने देखा ही नहीं कि व्लॉग करना है क्या करना है. दिमाग में पहला थॉट व्लॉग का तो ऑब्वियसली नहीं आता, मैं भागते हुए जा रही थी. फिर शिल्पा ने व्लॉग किया, उसके हाथ में मेरा फ़ोन था और मैं इतनी स्पीड में भाग रही थी मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा था. कुछ ये था उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी सारे कार्ड्स होते हैं सब उसी में था. और मेन सामान पैसे भी थे उसमें कुछ. तो फिर जैसे ही मैं गई तो वो नीचे गिरा हुआ था बेंच के, और वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे थे, पर पर्स हमारा नीचे गिरा हुआ था.
पर हमने तो ऊपर रखा था, फिर मैंने फटाफट उठाया और मेरे सांस में सांस आई, मुझे ऐसे हुआ कि शिट यार आज तो गए थे। बट ये तो बात सच हो गई दुबई में, जैसे बोलते हैं कि अगर आपका बैग वैग चोरी हो जाए या कुछ, ओह आप अपना बैग रख के कहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई उसको टच भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ के लॉ बहुत ज़्यादा वो है गाइस स्ट्रिक्ट। तो किसी ने टच नहीं किया था, वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। तो ये चीज़ तो आज प्रूफ हो ही गई कि चोरी नहीं हो सकती दुबई में चीज़ों की गाइज। और हमने शीन से इतने सारे कपड़े मंगाए, कर आपने हॉल तो देखा होगा शिल्पा के उसमें ब्लॉग में, 5-6 साल बाद शीन देखा है मैंने जब से बैन हुआ इंडिया में, इतने सारे कपड़े मंगाए, अब एक एक करके पहनेंगे। हेलो गाइज, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, और कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं थक के बहुत ज़्यादा सो गई थी, बीच पे गए थे हम लोग जैसे ही। तो आज हम लोग जा रहे हैं पूल में, तो मैं 2 दिन का व्लॉग ऐड कर दूंगी। फर्स्ट डे मेरा पूल में है, 10 दिन बाद मैं आज अपने अपार्टमेंट वाले पूल यूज़ कर रही हूँ। जिम भी है इसमें बट अब तक तो मैंने यूज़ नहीं किया, तो फर्स्ट पूल फिर कल से जिम भी यूज़ करूँगी। लेट्स गो। शिल्पा जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी, शिल्पा जी। अब तक गई नहीं और पहली साल सीधा खड़े होना एक बार। हो ना, इसकी हाइट के हिसाब से पानी देखना है। गाइस मेरे पीछे बहुत बुरा सैंडस्टॉर्म आ चुका है, तुम्हें दिख ही रहा होगा। मुझे डर लग रहा है। इसमें क्या डरने के बाद? दिख रहा पीछे शिल्पा? दिख रहा है हमें तो। पता है ना ऐसे मिट्टी का ऐसे साइक्लोन आता है उसमें हम उड़ जाते हैं। तू नहीं उड़ेगी पर पक्का ना? हाँ स्विमिंग करके हम लोग आ चुके हैं और आज तो यहाँ पे सैंड स्टॉर्म आया हुआ है, बिल्कुल भी कोई भी बिल्डिंग दिख नहीं रही, तुम लोगों ने देखा होगा वीडियो में। और अभी मैंने अपने लिए ऑर्डर किए बर्गर्स, क्योंकि ये बर्गर खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए गाइस। सो मैं अपनी फेवरेट जो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलती यहीं पे मिलती है, हार्डीज के बर्गर खाऊंगी, मैंने ऑर्डर कर लिया है। और शिल्पा तो अपने लिए खाना बना रही है, उसको नहीं खाने बर्गर, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। और आज हमने बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया, मतलब हम लोगों ने आई गेस 3-3.5 घंटे पूल में टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़े आए, बहुत फ़न किया। और मैं थक गई हूँ पूल में ना, इतना शोल्डर वोल्डर पेन कर रहे हैं और पैर भी। और बर्गर खाऊंगी और फिर मिलूंगी तुम लोगों से। बाय। बर्गर, लार्ज फ्राइज और पेप्सी। बहुत देर लगी आने में बट आ गए, इतना ही नफ आज डिनर के लिए ना गाइस। और उसके बाद मैंने अपने इस ड्रॉर में कुरकुरे भी रखे हुए हैं अपने खाने के लिए ना, खा सकती हूँ बाद में भूख लगी तो। गाइस शिल्पा सामान लाई है मेरे लिए, तो आज स्पेशली मेरे लिए मेरी बहन केक लेके आई है, थैंक यू। और ये लेके आई है मेरे लिए, और ये भी लाई है, ये मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ गाइस। ठीक है, थैंक यू शिल्पा। तो ये क्या मौत का कफन बांधे घूम रही है सर पे? ओ, मेरे बाल देखे ऊपर से बिना काम किए गई हूं मैं। सर पे कफन बांधने वालों को मौत से कोई डर नहीं। मैं केक खा रही हूँ, चलो बाय। हैप्पी बर्थडे, वेट कर रही थी कब मैं गाना गाऊं तो काटे। हैप्पी बर्थडे टू यू। 400 के होने वाले हैं शायद, कल ही हो जाए मेरे तो, उसके लिए हम केक कट कर रहे हैं। स्नैपचैट के लिए काटा है। हाँ गाइज, मेरे स्नैपचैट पे 90,000 कंप्लीट हो गए, तो उसकी सेलिब्रेशन चल रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। गाइज बाहर सैंड स्टॉर्म के साथ थंडर स्टॉर्म भी आ गया और इतनी तेज बारिश है। नीचे चल के दिखा देना, ये देखना कैसे मिट्टी उड़ रही है हवा में, ऊपर देख मिट्टी है। हाँ तुम्हें ऐसे दिख रही होगी गाइज उड़ते हुए। हम 46 फ्लोर पे हैं तो क्लाउड्स भी हो सकते। ओए हमारा दही का डब्बा उड़ रहा है।